हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माही। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय एमटी प्रोडक्ट्स हॉल। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होंगे सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, जाके आप बाय कर लेना, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर ख़त्म कर लिए हैं, पूरे खाली कर दिए हैं। तो बहुत बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे फैमिली ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, माही गौतम ब्लॉग पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम हेयर केयर की बात करेंगे। अभी आपको पता है मैं रिसेंटली अपने हेयर एक्सटेंशन रिमूव करवा दिए, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था। दो साल तो मुझे हो गई थी लगवाए हुए, तो मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी मैंने जो अपने बालों की केयर करना शुरू किया है, कि जब आप एक्सटेंशन लगे होते ना तो आप रियल है कि केयर कम कर पाते हो। तो इस टाइम पे मैं अपने जो सैम्पल्स वगैरह मैंने चेंज किए हैं, तो और जो मैं पहले यूज़ कर रही थी एक्सटेंशन के लिए और अपने हेयर के लिए भी, क्योंकि केराटिन हो रखी थी, स्मूदनिंग हो रखी थी, और इवन मैंने कलर भी कराया था बीच में, तो उसके लिए मैंने शैम्पूज यूज़ किए थे। लोरियल, यह है शैम्पू एंड ये है कंडीशनर। तो मैं दोनों को ही यूज़ करती थी, पहले वॉश करती थी, और हर वॉश में मुझे कंडीशनर लगाना ही लगाना होता था। उसी के साथ साथ जब मैं वीक में दो बार हेयर मास्क लगाती थी, जब मुझे दिल करता था कि मैं शैम्पू यूज़ ना करूँ, तब मैं हेयर मास्क यूज़ करती थी। और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये तो शैम्पू है ही हमारे स्मूदनिंग केराटिन के लिए। और उसके बाद जब आप ये हेयर मास्क भी परचेज करते हो ना, बिना किसी रीज़न के, अगर केराटिन नहीं है, कुछ भी नहीं करा रखा आपने, फिर भी अगर आप मास्क परचेज करना चाहते हो तो ये डेफिनेटली परचेज करना चाहिए आपको। सबसे बेस्ट है, बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं, एक कॉम ईजिली निकल जाता है बालों में से। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पूरी तरीके से खाली कर चुकी हूँ, आप देख ही सकते हो। और एम टी बिल्कुल मतलब पूरा निकाल लिया मैंने, इतना अच्छा लगा मुझे ये कि मैंने पूरा खाली कर दिया। ठीक है, शैम्पू भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन लेंगे अमेजोन से तो आपको ऑफ़र मिल जाएंगे, ऑफलाइन लेंगे तो आपको फुल प्राइस मिलेगा। मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी, ऑनलाइन ही बाय करना जब भी आप बाय करो। तो ये हेयर के लिए, आप कॉलेज कर लो, ऑफिस कर लो, तो हमेशा बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, है ना, तो उसके लिए परफेक्ट किट है अगर आप बाय करना चाहते हो तो। और मैंने इसको एक महीने यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे फेस वॉश की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास है दो फेस वॉश, एक है वाव का। वाव तो हमेशा से ही बहुत अच्छा लगा है फेस वॉश के लिए, वरना हेयर किट बहुत ज़्यादा गंदी है, क्योंकि मैंने एक बार शैम्पू यूज़ किया था वाव का, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था, पहले से इतना था। फिर वाव का शैम्पू मैंने यूज़ किया ऑनियन रेंज में, तो कंडीशनर भी मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे उसका शैम्पू भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको फेंक दिया, मैंने उनको यूज़ नहीं किया, और आधी बोतल मैं किसको दे दी। ठीक है, तो फेस वॉश मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं। एक तो इनका सॉफ्ट ब्रिस्क भी आ जाता है, वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी मैं पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ। और स्पेशली ये रेंज काफ़ी अच्छी है विटामिन सी, ये रेंज में आप फेस मास्क भी लोगे, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। प्राइस आपको फिर से वही कहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको बहुत कम मिलेगा, ऑफलाइन लोगे तो फुल प्राइस पर मिलेगा। एंड ये फेस वॉश मैंने मुझे एज ए पी आर रिसीव हुआ था। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मुझे एज ए पी आर रिसीव हुई थी, बट अगर मैं इनको यूज़ कर रही हूँ तो हाँ, मेरा रिव्यू तो इनके साथ होगा ही होगा, क्योंकि मैंने यूज़ करे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पता है कि ये अच्छे थे मेरे लिए या बुरे थे। तो अभी तक तो ये अच्छे थे और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये ब्रांड मैं ज़्यादा नहीं सुना, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक फेशियल किट भी मैंने अभी लास्ट वीक यूज़ की थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और इसका एक सनस्क्रीन था, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसको मैं गोवा लेके गई थी। और इसका जो फेस वॉश है ना, उसमें हल्के हल्के से पार्टिकल्स हैं जो हमारे फेस से डर्ट ईजिली निकाल देते हैं, और हमारा फेस ऑटोमेटिक गोरा दिखने लगता है। ठीक है, मतलब गोरा करता नहीं है, बट इंस्टेंटली जो डर्ट है वो निकल जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अपने सनस्क्रीन की तरफ। तो ये एक्चुअली इनके कैप का है, इनके कैप एक्चुअली हमारी आना ने ख़राब कर दिए, फेंक दिया, तो ये मैंने बहुत मुश्किल से संभाल के रखे हैं, जिससे कि मैं प्रॉपर वीडियो बना लूँ आपके लिए, आपको हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे है वाव की सनस्क्रीन, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अगेन, क्योंकि जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो सनस्क्रीन हम मेकअप के पहले भी लगा सकते हैं, राइट, तो इसके बाद जब मैं मेकअप लगाती तो एक लेयर निकल के बाहर
ऐसे टपकने लग जाती थी, ठीक है, ऐसे टपकने लग जाती थी, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और जब मैं बॉडी पे लगा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कुछ मिला हुआ है, ऐसे मिट्टी मिली हुई है या जो रेत नहीं होता, ऐसा ऐसा फील हो रहा था, चुभ रहा था बॉडी में, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऑब्वियसली बात है, आपको सनस्क्रीन हर 40 मिनट में रीअप्लाई करनी होती है, आई नो, बट मेकअप के बाद हम कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा सनस्क्रीन है जो SPF 50 है, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। समझ लो, अच्छे ब्रांड है, जो बड़े ब्रांड है वो उतने अच्छे नहीं निकलते, जबकि न्यू ब्रांड्स काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं मेरी नज़र में, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका लिंक मैं डेफिनेटली दूंगी, लेकिन वाओ का लिंक नहीं दूंगी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये डेफिनेटली आप बाय कर लेना, क्योंकि मैंने इसको अभी हम मनाली गए थे तब भी लेके गई थी। सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ धूप में लगा रहे हो, सनस्क्रीन का मतलब होता है कि आप अगर यूवी रे मतलब लाइट में भी हो ना तब भी लगा लो, उससे भी असर पड़ता है हमारी बॉडी पे। एंड देन अब हम आते हैं आगे। तो ये एक्चुअली मैं फिनिश कर चुकी हूँ, और ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है आपके लिए, क्योंकि हमेशा आपके बैग में, पर्स में, क्लच में रहना चाहिए। बहुत छोटा साइज़ है, और आई थिंक ये मुझे 75 या 80 रुपीज़ का, 65 रुपीज़ का मिला था। तो इसमें आप कोई भी फ्लेवर या ले सकते हैं, पॉकेट परफ्यूम। और ये भी मैं फिनिश कर चुकी हूँ, इसको मैंने लिया था गोवा में, ये मेरे काफ़ी काम का है, और ये भी फिनिश हो चुका है। वैसे ये ज़रूरी नहीं था, ये पिया गया था, मैंने बाय किया था खुद से। बस हाँ इतना है कि ये हमेशा हमेशा होने चाहिए, क्योंकि परफ्यूम हमेशा, इतना बड़ा बोतल हम अपने बैग में कैरी नहीं कर सकते, बॉडी तब बजर होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एलोवेरा जेल। तो ये एलोवेरा जेल मुझे काफ़ी पसंद आई है, फर्स्ट लेव का, और मैं इससे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जब मैं गुड़गांव रहती थी तब भी मैं इसको आपके साथ शेयर किया है। इसको मैं अपने हैंड पे बहुत कम यूज़ करती थी, इसको मैं बालों पे ज़्यादा यूज़ करती थी, ठीक है, और जब नाइट में सोती थी तब लगाती थी, क्योंकि इसको लगाने के बाद ना ये चिपचिपा सा फील होता है, तो मुझे को अच्छा नहीं लगता, और जहाँ भी चिपक जाए ना चिपक जाता है, कुछ ऐसा ऐसा फील होता है गंदा सा। तो मैं नाइट में लगाती थी अपने फेस पे, और इससे मैं स्पेशली अपने बालों पे यूज़ करती थी, जैसे मेरे बेबी हेयर अभी हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो स्मूथनिंग केराटिन हो रखी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना ऊपर उठ उठ के आते थे, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे लगते थे, तो मैं इसको लेके एंड देन अपने बालों पे इस तरीके से उनको सेट कर लेती थी, जो कि पूरे दिन ईजिली सेट होते रहते थे, पूरे दिन सेट रहते थे, वो हिलते नहीं थे वहाँ से, मतलब एक जेल का काम कर रहा है इसने मेरे लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये फिनिश कर चुकी हूँ। प्राइस जो भी होगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारे डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हम सबके लिए। सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो, ये तो वो है जो मैंने संभाल के रखे हैं, आधे तो आने फेंक भी दिए, क्योंकि आना बहुत ज़्यादा सामान ख़राब कर देती है। दो आना, एक दे दो मुझे, हाँ ये दे दो। उसके बाद है ये एक और कंडीशनर, चूँकि मैंने लास्ट से लास्ट मंथ यूज़ किया था, पर पता नहीं कैसे ये रखा हुआ है, और इसमें ना थोड़ा सा प्रोडक्ट अभी बाकी है ना, इसमें भी थोड़ा सा प्रोडक्ट बाकी है, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये मुझे 80% ओके ओके लगा, 80% नहीं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी यूज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको मैं 4 बार में यूज़ कर लूँ, इतनी क्वांटिटी इसकी यूज़ होती है, अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अगर आप क्वांटिटी में लगा रहे हो तो इतना इस खर्चा तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। अब 4 बार आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, 4 बार मतलब, ये मैंने गलत बोल दिया। तो इसको आपको मतलब एक महीने में हर महीने आपको ख़रीदना पड़ेगा, जबकि हर कंडीशनर ऐसा नहीं होता है, उसको आप इजीली चला सकते हो 2-2.5 महीने, बट इसको हम उतना ज़्यादा नहीं चला सकते, तो उसका लिंक भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रोडक्ट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली मेरे जैसे इंसान के लिए। जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो मोस्टली ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि पेस्ट करने के बाद माउथ वॉश आप कैसे करोगे। तो मैं इसको यूज़ करती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मुझे ऐसे PR रिसीव हुआ था, और इसका जो प्राइस है वो है 350 रुपये, और इसमें आप कोई भी ले सकते हो, काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, बट ये भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ट्रैवल बैग में होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रैवल में हम अलग अलग जगह की चीज़ें खाते हैं, उससे हमारे माउथ को अच्छे से हम क्लीन नहीं कर पा सकते हैं ब्रश के साथ भी, तो ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने आज आपके साथ बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करे, जो कि मैंने खाली कर चुके हैं। मेकअप तो मैंने दिखाया ही नहीं है, मेकअप दिखाऊंगी फिर किसी और दिन, और मेरी ज्वेलरी मैं कैसे मैनेज करके रखती हूँ वो भी मैं आपके साथ अगले महीने शेयर करूँगी, इस महीने मैं बहुत बिजी हूँ। तो अभी के लिए हम चलते हैं, आना कैमरा मत हिलाओ,
अभी के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।